तो मेक श्योर आप ध्यान रखना है कि जो भी आपका पुराना पासवर्ड था आप उन पासवर्ड्स को यहाँ पे ना डालें, आप कुछ अच्छा और कुछ नया और कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो जो आपको याद होगा, और यहाँ पे मिनिमम कम से कम आपको 8 करेक्टर डालना होगा। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू चेंज जीमेल पासवर्ड। देखो, अगर आपका कोई बहुत पुराना जीमेल है जिसको आप बहुत कम यूज़ करते हैं तो आई एम श्योर कि आप उसका पासवर्ड भूल चुके होंगे, या फिर अगर आपके फ़ोन में कोई जीमेल आईडी लॉगिन है यानी ऑटो लॉगिन है जिसको आप बार बार लॉगिन नहीं करते, वो खुद ब खुद जो है लॉगिन हो जाता है, तो ऐसे में भी जो है आप उसका पासवर्ड भूल चुके होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि आप इसका पासवर्ड रिकवर कैसे करेंगे यानी चेंज कैसे करेंगे। तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने जीमेल का पासवर्ड जो है रिकवर कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। देखो, अधिकतर लोग जो है ना जीमेल को फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो अभी मैं आपको फ़ोन में ही करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में गूगल पे आ जाओ, एंड यहाँ पे जो है आपको साइन इन दिख रहा होगा। अगर आपके केस में जो यहाँ पे वो जीमेल आईडी लॉगिन है तो यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा होगा, तो प्रोफाइल पे क्लिक करो एंड लास्ट में जाओ और साइन आउट कर दो, ठीक है। उसके बाद सेम आपको भी ऐसा साइन इन दिखने लगेगा। ओके, अब क्या करना है, सिंपली से साइन इन पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे अगर आपने कभी उस जीमेल आईडी को लॉगिन किया होगा तो यहाँ पे वो शो होने लग जाएगा। नहीं हो रहा है तो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यूज़ अनदर अकाउंट, सिंपली से यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद आप अपना वो जीमेल आईडी यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे यहाँ जहाँ पे अभी हम पहुँचने वाले हैं। कैसे, तो सिंपली से हम इस जीमेल आईडी ये जो दिख रहा है अकाउंट इस पर हम क्लिक करेंगे, तो देखो हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम उधर से हम पहुँचने वाले थे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये जो है हमको पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन पासवर्ड तो हमको मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको फॉरगॉट पासवर्ड का, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको चार मेथड दिखेगा। अब ये चार मेथड क्या है, तो पहला जो मेथड है वो है ऑथेंटिकेशन का। ये ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो जीमेल आईडी आपका है उसके साथ आपने जो भी डिवाइस को जो है लिंक किया हुआ है उस डिवाइस पे जो है एक ऑथेंटिकेशन परमिशन जाएगा यानी यस और नो का जाएगा। जब आप वहाँ पे यस करेंगे तब जाके यहाँ से जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा जो है यहाँ पे मेथड है वो है रिकवरी का यानी रिकवरी मेल का, यानी कि जो आपने जीमेल आईडी क्रिएट किया था उस वक्त जो भी आपने रिकवरी मेल डाला था उस मेल पे जो है आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मेरे केस में यहाँ पे दो रिकवरी मेल डाला हुआ है इसलिए यहाँ पे दो आपको दिख रहा है, ये कि दोनों ये सेम ही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आपके जीमेल आईडी से लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। और चौथा जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ट्राई अनदर वे टू साइन इन, तो फिलहाल इस प्रोसेस के बाद हम नहीं करेंगे कि ये, क्योंकि ये जो है खुद ही एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे जीमेल पे जो है मोबाइल नंबर लिंक है और हम मोबाइल नंबर से यहाँ पे जो है इसको पासवर्ड चेंज करने वाले हैं, तो मोबाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन पे जो है एक 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी आ चुका है जो कि है 368510 का, है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे ये ऑटो फिल हो गया, और यहाँ पे देखो अब ये बोल रहा है क्रिएट पासवर्ड, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे है कंफर्म पासवर्ड। तो मेक श्योर आप ध्यान रखना है कि जो भी आपका पुराना पासवर्ड था आप उन पासवर्ड्स को यहाँ पे ना डालें, आप कुछ अच्छा और कुछ नया और कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो जो आपको याद होगा, और यहाँ पे मिनिमम कम से कम आपको 8 करेक्टर डालना होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है और अब जो है यहाँ पे मैं सेव पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप दिख रहा है और यहाँ पे सारा ग्रीन टिक दिख रहा है, इसका मतलब कि सारा ओके है और यहाँ पे मेरा सब कुछ काम फिनिशिंग हो गया है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो देख सकते हैं कि मेरा जीमेल आईडी जो है लॉगिन हो गया है, इट मींस कि पासवर्ड भी सक्सेसफुली चेंज हो गया है और मेरा आईडी जो है लॉगिन भी हो गया है। लॉगिन कब होगा, क्योंकि मैंने पहले लॉग आउट किया था, है ना, तो अब लॉगिन हो गया, इट मींस पासवर्ड चेंज हो गया तभी तो लॉगिन हुआ ना। तो देखो कितनी आसानी से जो है हमने पासवर्ड को रिकवर कर लिया यानी कि चेंज कर लिया, है ना। आई एम श्योर कि आपने भी कर लिया होगा। तो कितना आसान था यार वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और आपके लिए सिर्फ 2 वीडियो का यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।